गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने गुजरात में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत द्वारिकाधीश के मंदिर में पूजा पाठ से की है, जिससे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदेश रावल। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और हाल ही में शुरू हुआ गुजरात का कैंपेन 2019 के चुनाव से पहले उनका इमेज मेकओवर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल अमेरिका दौरा से पहले राहुल गांधी जब बयान देते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ ही कॉर्पोरेट हाउसेस की या बिजनेसमैन की मदद करते हैं, तो ऐसे में एक मैसेज आता था कि राहुल गांधी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेज के खिलाफ हैं। US दौरे में उन्होंने सिलिकॉन वैली, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क स्क्वायर जितनी भी तमाम इंट्रेक्शंस किए, उसमें जो मुलाकात हुई सब में एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ नहीं है। वहीं कल जब गुजरात में उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, उसकी शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर से हुई। उन्होंने दर्शन किए, गले में भगवे कलर का वस्त्र पहना, टीका लगाया, उसके साथ में हाथ में थाली लेके पूजा भी की। तो ऐसे में एक संकेत ये दिए जा रहे हैं कि दरअसल जब 2014 का चुनाव पार्टी हारी थी, उसके बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि प्रो मुस्लिम होने के कारण पार्टी 44 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में गुजरात चुनाव की जो शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं वो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। दरअसल 2002 के बाद से गुजरात में हमेशा पोलराइजेशन होता आया है, तो ऐसे में राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रो माइनॉरिटी नहीं है बल्कि मेजोरिटी के साथ है। तो कुल मिला के एक इमेज मेकओवर राहुल गांधी का किया जा रहा है इस पूरे कैंपेन में। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।